टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है, मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। शुमाली गजा के आसमान में एक मरतबा फिर इसराइली फौजी ड्रोन और लड़ाका तैयारे मंडला रहे हैं। एक हफ्ता से जारी जंगबंदी खत्म होने के बाद एक बार फिर इसराइली फौजियों ने शुमाली गजा में हमला कर दिया। इसराइली फौज ने इसकी तस्दीक कर दी। शुमाली गजा को खंडर और कब्रिस्तान में तब्दील करने के बाद अब इसराइल अपनी जारियत को जनूबी गजा की जानिब मोड़ना चाहता है। इसराइल की इस जारियत को इसके सबसे अहम इत्तेहादी अमेरिका की हिमायत भी हासिल हो गई है। बेंगलुरु के मुतअद्दिद स्कूलों में बम की धमकियों के पेश नजर 15 स्कूलों को हंगामी कार्रवाई करने पर मजबूर किया गया। एक सीनियर पुलिस एहलकार ने बताया कि बेंगलुरु के मुतअद्दिद स्कूलों को जुमा की सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी मौसूल हुई, जिसके बाद 5000 से ज्यादा तलबा को स्कूलों से बाहर निकाला गया और बम स्क्वाड बुलाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने तमाम कयास आरायों को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने के बाद ही यहां से चले जाएंगे। कहा, मुझे यहां का खाना पसंद आने लगा है और मैं यहां के लोगों को भी पसंद कर रहा हूं। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के निवा कॉलोनी अरिहल इलाके में अस्करियत पसंद और फौज के दरमियान झड़प। कश्मीर जोन पुलिस ने इस झड़प में एक अस्करियत पसंद के हलाक होने की तस्दीक की है। मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने साल रवां के पहले 11 महीनों के दौरान 260 मुकदमे दर्ज करके 452 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जबकि मंशियात के कारोबार से हासिल की गई करोड़ों रुपए मालियत की जायदादों को भी जब्त किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने जुमा को 18 दिसंबर से 5 फरवरी 2024 तक सरमाई तातीलान का ऐलान किया। जुमा को जारी एक नोटिस के मुताबिक कहा गया, जहां भी कोर्सेज अभी नामुकम्मल है, तमाम शुबों को 31 दिसंबर तक या सिलेबस की तकमील तक ऑनलाइन क्लासेस के जरिए सिलेबस मुकम्मल करने की इजाजत होगी। 2023 के आखिरी महीने दिसंबर की पहली तारीख को ही मुल्क की तेल कंपनियों ने आवाम को दिया बड़ा झटका। मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात खत्म होते ही महंगाई की पहली किस्त जारी कर दी गई। जनूबी कश्मीर के जिला शुपया को सुबह जम्मू के पुंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड और श्रीनगर लह शाहरा बर्फबारी जमा होने की वजह से जुमा को भी बंद रही। माशरे से मंशियात की बिद्दत की बेखकनी के लिए जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला में एक खातून समेत 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से हीरोइन जैसा मवाद बरामद किया गया। टॉप 20 हेडलाइंस आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है वार्म अप इलेक्ट्रिक हमाम ने। वार्म अप इलेक्ट्रिक हमाम वर्ल्ड्स बेस्ट अंडर फ्लोर हीटिंग सिस्टम, दुनिया के 72 ममालिक में आजमाया हुआ एक भरोसेमंद नाम। तो सर्दियों से पहले करिए गर्मियों का इंतजाम, आज ही हमारे साथ राबता करें। राबता नंबर है 9070333369। याद रखें, वार्म अप इलेक्ट्रिक हमाम वर्ल्ड्स बेस्ट अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम। मरकजी व रियासती हुकूमतों की आवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ दल हुकूमत बेंगलोर के फ्रीडम पार्क में रियासत भर से आए किसानों, ट्रेड यूनियंस, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स की जानिब से एक बड़े पैमाने पर 3 रोजा एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया। कांग्रेस ने जुमेरात को दावा किया कि वो तेलंगाना में अगली हुकूमत बनाएगी और इस जीत का सहरा हुकुमरान बीआरएस और बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी की जारहाना मुहिम को दिया। सीनियर आईएएस अफसर अतुल ढुल्लो ने जुमा को जम्मू कश्मीर के नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर ओहदा संभाल लिया। इस दौरान सिविल सेक्रेटरी जम्मू के सैकड़ों मुलाजमी ने इनका पुरजोश इस्तकबाल किया। ढुल्लो ने अरुण कुमार मेहता की जगह ली जो नवंबर के आखिर में सबकदोश हो गए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमेरात को कहा कि जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे जम्मू कश्मीर इंतजामिया यूनियन टेरिटरी में असेंबली इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। माहौलियाती तब्दीली की इमरजेंसी सूरत हाल पर कोप 28 कॉन्फ्रेंस दुबई में मुनक्किद हो रही है। इस आलमी मसले से निमटने के लिए दुनिया भर के रहनुमा दुबई में जमा हो रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पीएम मोदी भी पहुंच गए हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला में हुक्काम ने बगैर हेलमेट के सवारी करने वाले दो पहिया मोटरसाइकिल सवार स्कूटी सवार को ईंधन की फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी है। अमरीकी ऐवान ने एक करारदाद मंजूर की है जिसके तहत अमरीकी कैदियों की रिहाई के बदले अमरीका की जानिब से ईरान को मुंतकिल किए गए 6 बिलियन डॉलर तक उसकी रसाई नहीं हो सकेगी। इसराइल पर हमास के हमले में मुबैना ईरानी मदद का इल्जाम लगाते हुए ये करारदाद मंजूर की गई। लखनऊ में यूपी मदरसा बोर्ड के मुलाजमीन की जानिब से तालिबा से छेड़छाड़ और फाश हरकत करने का मामला रोशनी में आया है, जिसके बाद हजरतगंज थाना में इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया।
वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों के बाद महकमा मौसमियात ने मौसम में नुमाया बेहतरी वाकया होने की पेशगोई की है। टॉप 20 हेडलाइंस आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है मुबारक हॉस्टल हैदरपुरा बाईपास रोड श्रीनगर। हमारे फोन नंबर आते हैं 01942435527 या 600522665625। टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।